हर साल तबलीग के इत्तेमाद क्यों मुनक्किद होते हैं? कुरान हदीस इसका सबूत। ओ भाई मोटी जी गल है, एक दीन दी इशाअत ते एक सवाब वास्ते कट, जिस फर्क ही समझ नहीं पी आता। दीन का फैलावना हर मुसलमान से जरूरी है। जितना दीन जानता उसको फैलावे। हुण मैं जितना दीन जानना मैं फैलावा, जितना तुसा जानते हो दीन की तबलीग करो। दीन की तबलीग और दीन दे फैलावण वास्ते इजतमा जलसा कॉन्फ्रेंस करना ये ठीक ही नहीं। अगर सिर्फ सवाब और तारीफ ते कोई जरूरी काम नहीं, बस इन सवाब की खातर पर करें दो, बस शरीयत तो कट नहीं करन देती। मैं इस बड़िया मिसाल दे सकना, एक छोटी जी मिसाल मैं तुम्हें देना चाह। नमाज जी है ना, नमाज नफल नमाज तुसा कल्या पढ़ दे या जमात नाल पढ़ दे? दे कल्या है, कल्या जमात होती है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? फर्ज जमात नाल पढ़ी बैठो तो नफल क्यों नहीं जमात नाल पढ़ दे? अच्छा एक मैं दसो, फजर दी बांग आती है ना जोर दी, असर मगरिब इशा ए बांग या कोई ना जी, ते इशराक दी बांग ही होती है? नहीं। चाश दी बांग नहीं है, काई नहीं होती? क्यों? इस वास्ते नहीं होती, शरीयत आ दिए कि फर्ज काम कट्ठे होके करो, ते जेड़े नफल काम होते ए वखरिया वखरिया ते इनफिरादी तौर ते करो। और गल समझ आ गई ने? तेरा काम में मिलाद सवाब, इस वास्ते तेरा कट्ठा होना भी ठीक नहीं, ते मेरा काम में तबलीग ते दीन दा फैलावना, इस वास्ते ओ जरूरी है। जरूरी वास्ते कट ठीक है, ते गैर जरूरी वास्ते कट ठीक नहीं। मसला तो साफ है, सीधा जिहा मसला। हुण तैनूं समझ आवे तां मेरा बिरा मैं कि